वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेजा के बेस मॉडल LXi के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सशोरूम कॉस्ट से लेकर के इसके ऑन रोड कॉस्ट तक। साथ ही अगर आप इस कार को फाइनेंस पर परचेस करते हैं तो 80% एक्सशोरूम कॉस्ट फंडिंग के बाद आप 3 साल में, 4 साल और 5 साल में कितनी EMIs बनेगी, उन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो प्राइजेस से वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ब्रेजा का बेस मॉडल LXi आपको 799,000 रुपीज के एक्सशोरूम कॉस्ट पर मिलता है। दिल्ली के अंदर इस कार को अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो इसका एक रजिस्ट्रेशन चार्ज आता है 56,760 रुपीज। इंश्योरेंस मिलता है 3 साल का, जिसकी कॉस्ट आती है 38,671 रुपीज की। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कार को फाइनेंस पे परचेस करते हैं तो 1,500 रुपीज आपको हाइपोथिकेशन के तौर पर चार्ज किए जाते हैं। साथ ही साथ फास्टैग के लिए 500 रुपीज आपको पे करने होते हैं। ये सभी बात हो गई मैंडेटरी चार्जेस की, जो कि आपको देने होते हैं। इन सभी का टोटल होता है 896,431 रुपीज का। इसके अलावा भी दोस्तों, आप चाहें तो शोरूम से ही एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी और ऑटो कार्ड जैसे अलाइड पैरामीटर्स को भी परचेज कर सकते हैं। वो मैंडेटरी नहीं होते, तो वो ऑप्शनल में है। आप चाहे तो परचेज करें, चाहे तो ना करें। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस की। दोस्तों, अगर आप अपनी कार को फाइनेंस पर परचेज कर रहे हैं और आपका प्रोफाइल के हिसाब से बैंक आपके ऊपर 80% एक्स शोरूम कॉस्ट के ऊपर फंडिंग करता है, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो लोन अमाउंट बनेगा वो होगा 6,40,000 रुपीज का। साथ ही साथ अपना जो बैंक है वो आपसे प्रोसेसिंग फीस के तौर पर फाइल चार्जेस भी लेता है। यानी कि इस कंडीशन में अगर आपका जो लोन है वो 6,40,000 रुपीज का है, तो डाउन पेमेंट आपकी बनेगी 2,56,431 रुपीज की। अब यहाँ पर आप नोट कर लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी डिपेंड करता है, अलग अलग प्रोफाइल पे अलग अलग तरीके का मिलता है। नॉर्मल तरीके से मैं अगर 9% की बात करके चलता हूँ, जो कि बिल्कुल बीच का है, ना ज्यादा अच्छा है और ना ज्यादा खराब, तो 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करके चले तो 3 साल का अगर आप लोन करवाते हैं तो जो आपकी EMI बनेगी वो बनेगी 20,351 रुपीज की। यहाँ पर अगर आपको EMI लंबी करनी है, 4 साल में अपने EMI को अगर आप लेकर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 15,926 रुपीज की जो पर मंथ की EMI है वो पे करनी होगी। अगर आपको ये भी थोड़ी और कम करनी है तो आप लोन को 5 साल का करवा सकते हैं। इस कंडीशन में जो आपकी EMI बनेगी वो बनेगी 13,285 रुपीज की। तो दोस्तों, ये था ये कंप्लीट EMI स्ट्रक्चर और ऑन रोड कॉस्ट ब्रेजा के बेस मॉडल LXi का। अगर आपको किसी अदर कार का देखना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करना ना भूलें। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।